guys, welcome back again to my channel Roko the Rider. Still we are at New Diga and good morning from New Diga. So yeah, we'll be traveling to Mandarmoni today. Let's see. So we have checkout time at 9:30. After that we'll be traveling towards Mandarmoni. So just now we have woke up. Finally it's time to say goodbye to New Diga. Now we are heading towards Old Diga. Let's see what are the things available over there. Okay, and I'm welcoming you all to my motovlogging setup. I'm back again to my motovlog setup. And now it's about the time to leave to New Diga. Goodbye New Diga. Hopefully we'll see you again. Now we are moving towards Old Diga. तो चलिए देखते हैं. और आज गर्मी भी है, बहुत बहुत हॉट है बाहर, सनी वेदर है, इसलिए तो देख सकते हो आप लोग न्यू दीघा का व्यू. इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग दीघा बाई बाइक, सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज रियली गुड. तो क्या प्रॉब्लम तो ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही एक है थोड़ा बैक पेन है अभी भी, क्योंकि कल बहुत राइड किया है 186 किलोमीटर और ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिए थे, तो इसीलिए थोड़ा बैक पेन है अभी भी. तो लेट्स सी अगेन. सो टुडे आज का प्लान मैं बता देता हूँ. टुडे विल बी मूविंग टू मंदरमनी, विल बी स्टेइंग ओवर देयर एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल गेट विल बैक अगेन टू कोलकाता. सो दैट्स द ओवरऑल प्लान टिल नाउ. आप लोग देख सकते हो दीघा रेलवे स्टेशन है, राइट साइड में है बस स्टॉप. Today our plan is we'll move in Mandarmoni via the marine dive, and I heard about that the view what will be we are going to get over there, it's gonna be awesome. So please stay tuned with the channel and keep watch till end. So I'll be traveling to marine dive again. I'm saying so view dekhte hain udhar ka. And now अभी ओल्ड दीघा में जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ. आई विल कैच अप यू गाइस टू माय नॉर्मल कैम अगेन. सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू ओल्ड दीघा एंड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट द व्यू. यू गाइस ओनली सी एंड टेल मी इन द कमेंट्स हाउ इज द व्यू इन ओल्ड दीघा. सो लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक व्यू ऑफ सी वेव्स. आप लोग ओल्ड दीघा का एम्बियंस थोड़ा देख लीजिए, दिखाता हूँ. इधर एक छोटा सा पार्क भी है, तो पीछे देखिए छोटा वाला पार्क है. ओल्ड दीघा छोड़ के हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मरीन ड्राइव. तो चलिए देखते हैं, उधर का व्यू एंजॉय करेंगे. और न्यू दीघा ओल्ड दीघा में तो बहुत मतलब जो सी वेव्स था बहुत तेज था, तो दिखने में बहुत बढ़िया लगा. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ दैट सी वेव्स. सो लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू लाइक इट. ओके, सो अभी रोड थोड़ा बिजी है और मंदरमनी में जो होटल है वो दिखा रहा है इधर से 18 किलोमीटर्स 39 मिनट्स. तो हम लोग अभी तो हम लोगों का चेकिंग नहीं है, 12 o'clock है चेकिंग. जो होटल है हम लोगों का उसका नाम है एक्वा ब्लू. तो हम लोग रिव्यू भी दे दूंगा ब्लॉग पे कैसा है क्या नहीं है. तो प्री बुकिंग करके आया मैं मेक माई ट्रिप से. तो पर नाइट इट कॉस्ट मी अराउंड 1700. मोहना पे भी घूम के आते हैं, तो इधर से दिखा रहा है मोहना. लेट्स सी, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दीघा मोहना बिफोर, सो लेट्स सी हाउ इट इज़.
तो फाइनली हम लोग मोहना पे पहुंच ही गए। तो इधर देख सकते हो पूरा फिश मार्केट है, तो थोड़ा व्यू देख लीजिए। Later. So finally we have taken the way to the marine drive. Now you can see the view. चारों तरफ से ग्रीनरी है। डे टाइम में रोड तो सेफ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर वट अबाउट द नाइट टाइम। तो इफ यू आर अ बाइकर आई वुड रिकमेंड बेस्ट टू विजिट इन द डे टाइम इटसेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ द रोड विल बी एट द नाइट टाइम, बिकॉज चारों तरफ सिर्फ सुनसान है। देखो कितना बढ़िया व्यू है। Even, मस्त लग रहा है दिखने में। और बैठने के लिए भी इधर सीट है, लेकिन कौन बैठेगा धूप में। शंकरपुर जाएंगे उधर भी। So guys, I'm requesting to all, I have tried my best to cover all the places near Digha, Mandarmani. So don't forget to watch till end. If you really like the video, my blog, please don't forget to hit like, share and subscribe. और सामने वाला व्यू तो मतलब नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। नेक्स्ट लेवल है सामने का जो व्यू है ना, नेक्स्ट लेवल है गाइज। आप लोग इधर से ही देख सकते हो, सी साइड से है रोड मेरीन ड्राइव। तो इफ यू आर अ बाइकर, इफ यू आर कमिंग बाई बाइक, आई वुड रिकमेंड प्लीज गो थ्रू दिस वे, यू विल एंजॉय इट, यू विल लाइक इट, इट विल रिफ्रेश योर माइंड, ट्रूली सेम। कुछ प्लान नहीं है, निकल जाता है इधर से, क्योंकि अगर रुकूंगा तो ह्यूमिडिटी के कारण बहुत मतलब पसीना आ रहा है, इसलिए नहीं रुकूंगा। 5 minutes later. Come back again, guys. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। Really, I am speechless after seeing this view. Really, thanks to our government, क्योंकि इतना सुंदर दीघा टू मंदरमनी एंड काथी जो रोड किया है ना गवर्नमेंट से, बहुत ही बढ़िया किया है। रियली वीकेंड ट्रिप के लिए इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजिट इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ। मैं अभी बाइक चला रहा हूँ ना, मेरे को पानी आ रहा है समुंदर से, तो आप लोग सोच सकते हो कितना नियर बाई है समुंदर से। ओ माय गॉड, देख सकते हो रोड पे भी पानी आ गया पूरा। आई रिकमेंड टू बाइकर्स, प्लीज एटलीस्ट वंस विजिट दिस प्लेस, यू विल रियली एंजॉय इट। ए फ्यू मिनट्स लेटर, फाइनली वी आर अबाउट टू हिट टू मंदरमनी, ओनली 2 kilometers लेफ्ट टू रीच टू आवर होटल। आप लोग देख सकते हो एक ब्रिज है, जालदा ब्रिज, शायद 1 साल हुआ है इसका ओपनिंग हुआ, तो पूरा नया है देख सकते हो। और व्यू तो बढ़िया है चारों तरफ, उधर है सी, ये है ब्रिज, नीचे भी है बैक वाटर्स और नीचे है बैक वाटर, बहुत सारा बोट है इधर।
today at 12 o'clock we have reached to our resort. So I will go through the resort tour, but now we are moving towards the Mandarmani beach. Let's see how the view is. देख सकते हो गाइज, पीछे हम लोगों का रिसोर्ट है और अभी जा रहा है बीच की तरफ. लेट्स सी, समंदर तो बहुत दूर में है इधर, तो देख सकते हो आसपास का व्यू इतना बढ़िया नहीं है. इट्स ओके फाइन. तो ये है मंदरमनी बीच. डिनर रूम पे ही मंगा लिया था और डिनर में था बटर नान एंड चिकन भरता, विच वॉज गुड. चलिए गाइस थोड़ा रूम टूर भी कर लेते हैं एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेटिंग बाय माय वाइफ. सो यू कैन सी हियर इज द एंट्रेंस एंड ये है बाथरूम जो बहुत ही नीट एंड क्लीन था. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये वाला जो एक्वा ब्लू रिसोर्ट जो मंदरमनी में है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और सर्विस भी बहुत बढ़िया है. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. तो देख सकते हो ये है बेड और मैंने एसी रूम लिया था विच इज़ नोन एज डिलक्स रूम एंड दे हैव कॉटेज जस्ट अंडरनीथ इट एंड ए है कवर्ड जो कि बहुत ही स्पेसियस है और एक और नीचे एक मिनी फ्रिज भी है. उसके बाद चलिए चलते हैं बैल्कनी की तरफ. इनसाइड फ्रॉम द रूम हियर इज़ द व्यू एंड लेट्स गो टू द आउटसाइड, यू विल एंजॉय दैट व्यू. देखिए कितना बढ़िया है ये डिलक्स रूम का है बेल्कोनी एंड नीचे है कॉटेज जैसे कि मैंने मेंशन किया. तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस एवरीथिंग इज गुड. वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग एंड हियर वाज आवर कंप्लीट ट्रिप दीघा एंड मंदरमनी. होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो एनी लॉन्ग. टेप यू गाइस टू माय नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. बाय.